और यहाँ पे जो है ढोल बजाया जा रहा है, यहाँ पे जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे इनके पहले फिताना देते हैं, फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। छोटी ईद पे जो है ना तकबीरें स्लो आवाज से पढ़ने के लिए कहा गया है। सो गाइज, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम गाइज, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ जी जफर फ्रॉम चाइना से। तो गाइज, हम जा रहे हैं जी ईद की नमाज पढ़ने के लिए। जी हाँ, आज जुमेरात है और चाइना में आज ईद का पहला दिन है। पाकिस्तान में जो है 29 रोजे हुए हैं, तो पाकिस्तान में कल ईद का पहला दिन था। ये बड़ा जो है ना अजीब लगता है, क्योंकि अमूमन जो है चाइना में ईद पाकिस्तान से पहले होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है पाकिस्तान ने चाइना को क्रॉस किया है, उन्होंने 29 रोजे किए हैं और वहाँ पे कल जो है ईद का पहला दिन था। तो आज चाइना के अंदर ईद का पहला दिन है। चाइना, बांग्लादेश और इंडिया जो है इन तीनों मुल्कों के अंदर आज ईद का पहला दिन है। तो चलते हैं मस्जिद में, क्योंकि आज जिस मस्जिद में हम ईद की नमाज पढ़ने वाले हैं वहाँ पे फितराना कितना है। तो चलते हैं उस मस्जिद में, नमाज भी पढ़नी है और आपके साथ शेयर करना है कि यहाँ पे लोग चाइनीज़ मुस्लिम जो हैं किस तरीके से ईद का त्यौहार मनाते हैं। सो लेट्स गो टू द मॉस्क। तो हम आ चुके हैं जी मस्जिद के बिल्कुल करीब। यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त बाहर खड़े हुए हैं। जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो इनको फितराना जो है वो दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं वो यहाँ पे इनको पहले फितराना देते हैं, फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और यहाँ पर अच्छी खासी जो है ना आज सिक्योरिटी भी है, आप देख सकते हैं। चाइना के अंदर जब लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ना तब फितराना देते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि जो है लोग आखिरी अशरे में जो है फितराना दे देते हैं। देखें उस साइड पर भी जो है सिक्योरिटी खड़ी है, यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से जो है लोग वो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ढोल बजाया जा रहा है, यहाँ पे फितराना लिया जा रहा है। आप देखें, देखें 100-100 के नोट हैं, 10-10 के नोट हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे फितराना जो है लोगों से लिया जा रहा है। तो ये लोग जो हैं ये आ रहे हैं। ये है जी मस्जिद का मेन दरवाज़ा, यहाँ से जो है लोग मस्जिद के अंदर जो है दाखिल हो रहे हैं। देखें आप, फीमेल्स भी आ रही हैं। और अभी जो है ना ईद की नमाज़ में जो काफ़ी टाइम है, तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं अंदर जो है कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये मस्जिद है। इस सिटी की, शियान सिटी में सबसे बड़ी मस्जिद यही है, जिसका जो नाम है ग्रेट मॉस्क, यानी ग्रेट मॉस्क के नाम से लोग इस मस्जिद को जानते हैं। जहाँ भी आप नाम लेंगे ग्रेट मॉस्क हम जा रहे हैं, तो लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी मस्जिद की बात की जा रही है, क्योंकि ये ग्रेट मॉस्क जो है ये सबसे यहाँ की पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल टेम्पल जो है वो लग रहा है, कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये मस्जिद है, लेकिन ये मस्जिद है। यहाँ पे इस सिटी के अंदर जितनी भी मस्जिद हैं सारी इसी तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, कि जो नॉन मुस्लिम उनको लगे ये एक टेम्पल सा बना हुआ है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि मस्जिद में गुंबद होता है फ्रंट वाली साइड पर, या एक मीनार होता है, यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर लुक लाइक जो है टेम्पल है की शेप जो है ना वो बनाई गई है। सो लोग जो हैं मस्जिद में आना शुरू हो चुके हुए हैं। कुछ लोग जो हैं साथ जानेमाज भी साथ लेके आ रहे हैं, कि अगर जगह नहीं मिलेगी तो फिर वो कहीं पे भी लेफ्ट राइट साइड पे भी अपना जानेमाज बिछा के नमाज पढ़ लेंगे। अब देखें, ये मस्जिद जो है ना काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लुक लाइक जो है एक टेम्पल लगता है, कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये एक मस्जिद है। लेकिन ये इस सिटी की सबसे बड़ी यानी जामिया मस्जिद है, और इसका नाम है ग्रेट मॉस्क, यानी ग्रेट मॉस्क के नाम से ये फेमस है। कहीं पे भी आप नाम लेंगे शियान सिटी में आके मुझे ग्रेट मॉस्क जाना है, तो लोग आपको इस मस्जिद का ही बताएंगे जो ग्रेट मॉस्क के नाम से फेमस है। यहाँ पे भी कुछ लोग जो है आ रहे हैं, कुछ लोग उस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग इस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं बड़े दरवाजे से। तो हम इस दरवाजे से चलते हैं अंदर, और अब जो है हॉल में जाके देखते हैं कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। देखें यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, अभी आगे काफ़ी जगह होगी, लेकिन यहाँ पे लोग जहाँ पे भी उनका दिल करते हैं लोग बैठ जाते हैं। देखें आप, बिल्कुल लग रहा है जैसे किसी टेम्पल में आ गए हैं। और यहाँ पे हैं जी मेरे दोस्त जो सेल्फियाँ ले रहे हैं, अभी नमाज में काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। सो गाइस, आज छोटी ईद है तो तकबीर पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम, वेयर आर यू फ्रॉम? बांग्लादेश। बांग्लादेश में आज ही दिया ना, बांग्लादेश में आज पहला दिन है ईद का। सो गाइस, मैंने आपको जो एविडेंस दे दिए, आज माशाल्लाह से बांग्लादेश के अंदर ईद का पहला दिन है। तो ये दोनों भाई जो हैं ये बांग्लादेश से हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान में कल था ईद का दिन, आज पाकिस्तान में दूसरा दिन है ईद का।
पाकिस्तान में जो है ना 29 रोजे हुए हैं ना, बांग्लादेश में 30 हुए हैं इस दफ़ा ना। चलें शुक्रिया आपका, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ये जिन्होंने अभी इस्लाम किया है ना, ये इनके साथ हम अफ्तारियाँ करते रहे हैं। सो गाइस माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ जो हैं लोग सिर्फ वो देखने के लिए आए हैं कि हम किस तरीके से नमाज अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। माशाल्लाह से काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त हॉल के अंदर मौजूद हैं, सहन के अंदर मौजूद हैं, सॉरी। अब अंदर जाके दिखाता हूँ कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं। और नमाज का टाइम जो है वो 8:30 बजे का था, लेकिन अभी तो जो है 8:40 हो गए हैं, तो लग नहीं रहा कि नमाज जो है ना वो शुरू होगी, क्योंकि ये जामिया मस्जिद है, यहाँ पे लोग ना लेट यानी नमाज जो है ना स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लेट लोग यहाँ पे आते हैं, उसी वजह से फिर जो है ना ये लेट जो है ना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से अंदर भी इस वक्त काफ़ी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। देखिए ये वही मस्जिद है जिसके मैंने बताया था कि इसके इस मस्जिद के जो चारों तरफ ये जो दीवारें हैं ना, इनके ऊपर पूरा कुरान पाक लिखा हुआ है, और ये आज का नहीं, बहुत पुराना लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि ये मस्जिद जो है ना असहाबाए कराम के दौर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इमाम जो हैं मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मस्जिद के अंदर 8 इमाम हैं जिनके डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, यानी एक हफ़्ते में एक इमाम जो है नमाज करवाएगा, दूसरे हफ्ते दूसरा करवाएगा। देखिए माशाल्लाह से तकबीरें पढ़ते हुए तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कैमरामैन भी इकट्ठे हो गए हैं तस्वीरें लेने के लिए। छोटी ईद पे जो है ना तकबीरें स्लो आवाज़ से पढ़ने के लिए कहा गया है। हाथ में जो है ना वो अगरबत्ती जो है पकड़ी हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ईद मुबारक, ईद मुबारक। 9:30 ईद मुबारक। माशाल्लाह से यहाँ पे बांग्लादेश से भाई काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सारे आपस में ईद मिल रहे हैं। हालांकि चाइना के अंदर जो है ना ये चाइनीज़ का नहीं रिवाज, लेकिन माशाल्लाह से हमारे यहाँ मुल्क में जो है जो बांग्लादेश इंडिया में पाकिस्तान में रिवाज है गले मिलने का ना ईद के ऊपर। सो गाइज़ आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़फ़र ख़ान व्लॉग्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ईद के बाद भी आने वाली हैं अमेजिंग वीडियोज़, तो कीप इन टच।